जम्मू कश्मीर राजभवन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 100वें कस्ते की मेज़बानी की। इस तकरीब में नावर शख्सियत, नौजवान, कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों, पद्मश्री और बाकी खसूसी तौर पर मुदावा किए गए लोग मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू टूरिज्म फेडरेशन की तरफ से शाये करदा श्री अमरनाथ जी यात्रा गाइड बुक जारी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रियों के बेलूस खदमात के लिए जम्मू टूरिज्म फेडरेशन की सराहना की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एलजी मुलाकात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से बातचीत की और उनके मसाइल सुने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मसाइलों का इजाला का जायजा लेते हुए कहा कि शहरियों की शिकायत का बरवक्त इजाला हमारी अवलीन तरजीह है। रियासी के बोनबाग इलाके में इतवार के रोज सड़क के एक हादसे में 3 मुसाफिर रुकमे अचल बन गए। पुलिस ने हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि यह हादसा बोनबाग इलाके के करग इलाके में पेश आया, जहां पर एक गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 3 अफराद की मौत वाका हुई है। जिले गांधरबल में पुलिस की जानिब से समाज में फैली बुराइयों का खात्मा करने के लिए 5 कमरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। मौसूल तफसलात के मुताबिक पुलिस पोस्ट नागबल को इतला मौसूल हुई कि बाकुरा इलाके में कमरबाज सरगर्म अमल है, जिसके बिना पर पुलिस पोस्ट नागबल ने DYSP हेडक्वार्टर की निगरानी में बाकुरा इलाके में छापेमार करके 5 कमरबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगी रकम भी जब्त की है।